भारतीय की बीके टाइम्स न्यूज। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। विकास संगीता निम्बोरे काजी प्लाट भुसावल आंगनवाड़ी कर्मचारी संगठना के तालुका प्रमुख हूँ। हम लोग सब सेविका और मदतनीस यहाँ पे 65 है और 65 सेविका और मदतनीस मिलके 100 लोग 25 अप्रैल से हम लोग कोरोना के सर्वे का काम कर रहे हैं। प्रांत अधिकारी ने अभी तक हमारी कोई भी लेखी ऑर्डर नहीं निकाली है, सिर्फ मुख्य सेविका ने कहने के बावजूद हम सर्वे का काम शुरू कर रहे हैं। जहाँ पर पेशेंट निकलता है वो एरिया में हम लोग जाकर काम करते हैं। उसके लिए हम लोगों को वैद्यकीय अधिकारी प्रांत अधिकारी इन्होंने अभी तक कोई भी सुविधा नहीं दी है, ना रजिस्टर देते हैं, ना ग्लोव देते हैं, ना मास्क देते हैं, ना सैनिटाइजर देते हैं और कहते हैं तुम लोगों को कुछ भी नहीं होगा, अपनी जिम्मेदारी पे जाओ, अपनी प्रोटेक्शन से जाओ और सर्वे करो। हम लोगों में से बहुत सारे जन 55 साल के ऊपर के हैं, उनको डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर भी है, बहुत सारे लोगों को बहुत सारे हार्ट का भी प्रॉब्लम है। उन लोगों को कहते हैं हर बार कि तुमको कुछ नहीं होगा, काम करो, बस काम करो, ऐसा चल रहा है। उसके लिए सरकार ने हमारे लिए कोई भी मतलब 1 रुपए का भी अनुदान अभी तक नहीं दिया है। हम 3 महीने से लगातार सर्वे करते जा रहे हैं, हर एरिया में कर रहे हैं। अभी 15 दिन पहले 16 तारीख को हर सेविका मदतनीस को नगर पालिका की तरफ से थर्मल और ऑक्सीमीटर थमा दिया, उसका ना कोई ट्रेनिंग दिया, ना कैसे करना है कुछ बताया, सिर्फ हाथों में दे दिया, ये जाकर अपने अपने आंगनवाड़ी के क्षेत्र में जाके तुमको चेक करना है। सब लोगों ने अपना अपना सर्वे का काम कल तक के कंप्लीट कर लिया। अभी 2-3 दिन से हम लोगों को 24 तारीख से बोल रहे हैं कि तुम्हारे सर्वे में जितने बीपी शुगर के पेशेंट है, जितनी प्रेग्नेंट औरतें हैं, उन सबको तुमको स्वैप के लिए लेकर आना है। वो कैसे लाना है हमको पता नहीं, तुमको रोज के 5 पेशेंट लाना ही है, हमको टारगेट दिया है ऐसा बोला है। अभी इनको पेशेंट ठीक करना है कि टारगेट पूरा करना है? लोग हमको बोल रहे हैं कि हम संक्रमित नहीं है, हम तुम्हारे साथ बीपी शुगर है, इसलिए कोरोना की टेस्ट कराने क्यों आए? लोगों का उसके लिए इनकार है। इनकी तरफ से हमको बोलते हैं इनकार कोई भी बताएगा नहीं, जो सेविका पेशेंट को लाएगी नहीं उसके ऊपर FIR दर्ज होगा, उस सेविका को काम से कम करने की धमकी दी जा रही है। हर सेविका मानसिक तनाव में है। हमारे इसमें एक प्रेग्नेंट एक कोरोना बाधित सेविका है, उसको भी बोलते हैं तेरे को भी काम करना पड़ेगा, अगर तू नहीं कर सकती है तेरे बेटी को ला, तेरे हस्बैंड को ला, तेरे बेटे को ला, पर ये कोरोना का काम हमको करके दे। तो ये कहाँ का रूल है, ये कहाँ का मतलब सब सेविका पे अन्याय हो रहा है। और उसके लिए कोई भी सेविका को मतलब तुम कहीं भी नहीं जाना, हमारे पास आना, हम सब काम निपटा के 5 बजे यहाँ रिपोर्टिंग के लिए आ रहे हैं। 8 बजे से रिपोर्टिंग, कोई 6 बजे फोन करता है, अभी के अभी सवेरे 6 बजे हमको रिपोर्ट दो, कोई 8 बजे फोन करता है, कोई 11 बजे फोन करता है, हर कोई बोलता है अभी के अभी पेशेंट के नाम बताओ। तो बीपी शुगर बोले तो उनको कोरोना है क्या? सब लोगों का एक ही सवाल है कि बीपी शुगर और 60 साल के हो गए तो उनको कोरोना है क्या? और अगर कोरोना की उनकी जांच किया तो उसके आगे क्या करेंगे, ये उन लोगों को पता ही नहीं है, तो हम क्या बताएंगे? वो लोग हमको एक ही सवाल पूछते हैं, दीदी हम चलते हैं तुम्हारे साथ, पर कोरोना अगर पॉजिटिव निकला तो उसके बाद का क्या? तो इस सवाल का जवाब हम प्रांत अधिकारी को मांगने के लिए आए, पर उन्होंने हमसे मिले ही नहीं, सब लोग चले गए हमको देखकर, कोई भी हमारा सामना करने के लिए अभी तैयार ही नहीं है, समस्या बताना नहीं है, सिर्फ काम करना है और पेशेंट लाना है, बस इतना ही है।